न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ट्रेड एंड ट्राई उद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद, लक्की बाबू दुकान ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ग्रैंड लाइट्स एंड हार्डवेयर, ब्लेस हॉस्पिटल, बीएन घाटी, लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट, अनुपम द बॉर्न डट फाइटर, ऑटोमोबर्स बाजार आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर। दुर्गापुर से हुआ युवक का अपहरण, अपहरणकर्ता निकला यूपी पुलिस, युवक वांटेड अपराधी। स्कूल में अचानक बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से हुई 11 वर्षीय बच्ची की मौत। तृणमूल कार्यालय के पास धड़ल्ले से चल रहा अवैध लॉटरी, कुल्टी ब्लॉक पूर्व युवा टीएमसी नेता ने किया विरोध तो भाजपा ने लगाया आरोप। अजब नशा प्रेम का, पुतला को बनाया प्रेमिका। लोगों ने मेरे को किडनैप करके ये मारने लगे। दुर्गापुर में एक घटना को लेकर पुलिस महकमा परेशान। पुलिस को खबर मिली कि दुर्गापुर से एक डाक कर्मी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और नाका चेकिंग तेज कर दी। उस दौरान आसनसोल में जुबली मोड़ के पास पुलिस ने दुर्गापुर से डाक कर्मी को ले जा रहे वाहन को रोका तो इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। वाहन में सवार लोगों ने खुद को यूपी के आगरा का पुलिस बताया और डाक कर्मी को वांटेड अपराधी। कन्यापुर से पुलिस सभी को दुर्गापुर ले गई। सुबह में दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के नववारिया में सिटी सेंटर डाकघर में कार्यरत मक्खन लाल मीना जब ड्यूटी पर जा रहे थे तभी एक इनोवा आई, उसमें से कुछ लोग उतरे और उसे पीटकर वाहन में लाद कर चलते बने। पुलिस को जैसे खबर मिली वह अधिक अलर्ट हो गए और उन्होंने जगह जगह नाका चेकिंग लगा दी। आसनसोल में मक्खन लाल मीना के साथ साथ चार लोगों को भी वाहन सहित बरामद किया गया। पुलिस की जाँच में इस बात का खुलासा हुआ कि वह चार व्यक्ति आगरा पुलिस के अधिकारी थे और मक्खन लाल मीना आगरा में किसी अपराध में आगरा पुलिस के हाथों वांटेड है। उत्तर प्रदेश पुलिस काफी दिनों से उसके तलाश में थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर मिली कि यह दुर्गापुर में छिपा हुआ है तो आज उसे पकड़ने के लिए यह कार्रवाई की गई। लेकिन आगरा पुलिस के अधिकारी सिविल ड्रेस में थे इसलिए यह गलतफहमी हुई कि उसका अपहरण किया गया है। वहीं मक्खन लाल मीना ने कहा कि रोज की तरह आज भी वह पोस्ट ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे जब इन चार लोगों ने उसे पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में ठूस दिया। मॉर्निंग में जैसे ही मैं ड्यूटी टाइम निकला तो इन लोगों ने मेरे को किडनैप किया। ये लोग तीन चार लोग थे, छुप रहे थे। तो जैसे मेरा बाइक में तो देख के आदमी को सुलो कर दिया। तो सुलो चाबी खुसका के इन लोगों ने मेरे को किडनैप करके ये मारने लगे। तो मैंने बोला कौन हो आप, किस वजह से मेरे को ये मार रहे हो। मैं सोच रहा था हो सकता है कोई दिमाग से पागल हो। एक बंदा आया पहले मारने के लिए, फिर वो तीन चार को लोगों ने पकड़ के गाड़ी में ठूस दिया। मेरे को ड्यूटी भी नहीं जाने दिया मेरे को। इन्होंने आगरा में चोरी को वारदात को चोरी की वारदात करी है जिसमें इन्होंने चोरी करी है, एक आदमी को लूटा है पटना पुलिस वाला बनकर। इसके सिलसिले में हमें सूचना मिली थी कि ये दुबका आप यहाँ पर दुबका बैठा है और हम इसको देखा और संबंधित थाने में यहाँ पर ले गया है। तो अभी क्या हुआ? अभी हम इस यहीं पर संबंधित थाने में आगे अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो क्या माने कोई गलती था आपको अरेस्ट करने में या कुछ सिस्टम का बाहर थे आप लोग अचानक आके उठा लिए? नहीं नहीं, ये भागने की फराक में था और इस वजह से इसको लेकर हम सीधा क्या नाम है संबंधित थाने में आए हैं। तो बंगाल पुलिस को खबर आप लोग नहीं दिए थे? नहीं, बंगाल पुलिस को खबर कर दिए। नहीं, जब आप लोग आए थे नहीं, जब तक अगर हम खबर कर दिए शायद ये फरार हो जाते। इसके संबंध में हम इसे लेकर सीधा संबंधित थाने में बंगाल पुलिस को खबर कर दिए हैं। तो अभी कहाँ ले जाएंगे इनको? अभी जो भी प्रोसेसिंग होती, सब प्रोसेसिंग के होने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई। क्या मामला है इनके ऊपर? इनके ऊपर लूट, चोरी, इन सब के मुकदमे दर्ज है। ये कहाँ पे? यूपी? यूपी में। आप लोग यूपी से आ रहे हैं? यूपी से। तो एक चीज़ है कि जो आप लोगों का ड्रेस है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आदमी को देख के कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस है या कुछ है या कोई कार्ड? ड्रेस कोड करने का एक रीज़न था कि जिसकी वजह से कभी ये ड्रेस कोड देख के वापस भग जाए, क्योंकि ये यूपी पुलिस से ही भग रहा है बहुत दिन। अच्छा, ये एक रीज़न था कि हमने ड्रेस कोड नहीं पकड़ा और उसके बाद हम इसको चलो थाने पर लेके आए हैं। आगरा থেকে আগ্রা পুলিশ কমিশনার থেকে একটা টিম এসেছে, ওদের ওখানে একটা কেস কানেকশন, আমাদের একজনকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিল এবং তাদের অ্যারেস্টের প্রসিডিউরাল কিছু ভুল আছে, সেগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি। তাদের প্রসিডিউরটা ঠিক মতো করে তারা নিয়ে যেতে পারে, আদারওয়াইজ এটা কোনো কিডন্যাপিংয়ের কোনো ঘটনা নয়। তবে আমাদের পুলিশের
চেকিং চলছিল সেখানে ওদেরকে স্টপ করে আমরা নিয়ে এসেছি। বাকি আমরা যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর করে ওরা যদি নিয়ে যেতে চায় আমরা দেখে নেব। কি কারণের জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যেটা আমরা দেখেছি যে ভিন রাজ্য থেকে প্রসিডিউরের কিছু গলত আছে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। ডিপার্টমেন্টাল ব্যাপার আছে সেটা এনকোয়ারি করে আমরা রিপোর্ট দেবো। रानीगंज के दामोदर नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की है। बताया जाता है कि लापता युवक 22 वर्षीय शेख फैयाज रानीगंज के गिरजापाड़ा का रहने वाला है। घटना के संबंध में पता चला है कि आज के दिन 6-7 दोस्त दामोदर नदी में नहाने गए थे। इस दौरान जब एक दोस्त नहाने के लिए नीचे उतरे और पानी में डूबने लगे तो शेख फैयाज उसे पानी से निकालने के लिए पानी में उतरा और वह डूब गया। नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद सौ नदी से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। हम लोग सब 4-5 लड़का थे वहाँ पर। मैं कितना लड़का नहा रहे थे यहाँ पर इतना बोल नहीं सकते लेकिन इतना तक हमको पता है 5-6 लड़के हम लोग थे। अच्छा टीम में मतलब कैसे हुआ तो उसमें से एक लड़का को बचाने के चक्कर में वो चले। टोटल दादा आप लोग क्या ही लड़का यहाँ नहाने आए हमको उतना हमको अंदाज डिटेल्स फिर हमको इतना तक लग रहा 6-7 लड़का थे। अच्छा कितने बजे करीबन लगभग टाइम भी तो नहीं बोल सकते अभी से 1-1.5 घंटा पहले। हाँ 1.5 घंटा लगभग घर लीजिए। फिर अचानक क्या घटना घटा क्या घटना घटा वही नहाते वक्त जब उतरे आप लोग मतलब देख बचा था क्या नहीं वो बचाने का मैंने जा रहे थे। अच्छा मतलब दूसरा को बचाने जा रहे थे। अच्छा आप लोग यहाँ जो नहाते कितने लगभग ऐसा कम हम तो नहीं टहलने नहीं हम नहीं गए थे। अच्छा बट वो एक लड़का गया था तो ऊपर हम 15-16 फुट अंदर गए। अच्छा तो वो मतलब और भी डीप है उसको नहीं पता वो कितना। क्या कोई सोच सकता है कि एक 11 साल की बच्ची की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था लेकिन इन दिनों मीडिया में आए दिन ऐसी खबरें देखने पढ़ने को मिल रही है कि कहीं 6 साल तो कहीं 10 साल के बच्चों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। अब ऐसी ही एक घटना मंगलवार के दिन मेदिनीपुर के गुड़गुड़िया पाल थाना इलाके में घटी है। यहाँ स्कूल में पढ़ने गई 11 साल की पापिया दे नाम की छात्रा की मौत संभावित तौर पर हार्ट अटैक से हो गई। नया ग्राम उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि पापिया क्लास 6 में पढ़ती थी। वह सुबह स्कूल आई थी तो ठीक लग रही थी। उसने प्रार्थना में हिस्सा भी लिया लेकिन वह अपनी कक्षा में गई तो वहां अचेत होकर गिर गई। उसकी खबर तुरंत घर वालों को दी गई। उसे निकट के अस्पताल में ले जाया गया फिर उसे मेदिनीपुर मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने आशंका प्रकट की कि पापिया की मौत हार्ट अटैक से हुई है। यह बात न तो शिक्षकों और न ही परिवार के गले उतर रही है क्योंकि पापिया कहीं से बीमार नहीं थी लेकिन यह साफ तौर से पता चल रहा है कि आज के तनावपूर्ण जीवन का शिकार न केवल बड़े हो रहे हैं बल्कि यह तनावपूर्ण माहौल बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। सकाल वाला स्कूल गए थे साइकिल करे गए थे भलो किचू नहीं सोचते हो स्कूल प्रार्थना हो समय प्रार्थना हो से समय दी सबाई जाए प्रार्थना लाइने दाड़ी से दाड़ान पर और बुक दर कर हमारे बुक तो जो एक जल खे খাবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে তারপরে প্রথমে যশোরকে দিয়ে আসলাম। যশোরে বললো আমরা লিবোনা ভর্তি ওরা সদরে দিয়ে চলে যান। এই তো সদরে এসেই ভর্তি করলাম তো এরা বললো ডেট হয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে কি অসুস্থ ছিল আগে? কোনো অসুস্থ ছিল না কিচ্ছু নেই নেই এখানে কোনো অসুস্থ নেই ছোট না ছোট থেকে কোনো ডাক্তারই নেই। সকালে স্কুলে গেলি স্কুলে যাওয়ার পর প্রার্থনাতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনাতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা বলছে যে আমার বুকটা কেমন যেন ধড়পড় করছে করার সঙ্গে সঙ্গে সেন্সলেস হয়ে যায় সেন্সলেস মেয়েগুলো ধরে নেয় ধরে নিয়ে যখন জল টল দেয় তখন সেই সেন্সলেস অবস্থায় প্রথমে জোসেফ হসপিটাল তারপরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে আসার পরে এখানে বললো যে মারা গেছে উনি মার্জেন্সি। ঠিক আছে মেয়ে কি স্কুলে গিয়েছিল? হ্যাঁ স্কুলে গেছে। কী নাম? পল্লবী দেবী। বয়স? 12। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बी एन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बी एन
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवाड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण, तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट आसनसोल के मुर्गासाल स्थित द अभोयर होटल में, पूरी तरह से शाकाहारी एवं फैमिली रेस्टोरेंट। 40 लोगों के एक साथ बैठने की सुविधा, पॉकेट फ्रेंडली और सिग्नेचर डिशेस, बर्थडे किटी पार्टी जैसे इवेंट की सुविधा, पार्किंग व वाईफाई की भी सुविधा। तो पधारे लजीज व हेल्थी व्यंजनों के लिए लोटस में, बजाज मूवर्स के समीप, मुर्गासाल, आसनसोल। आसनसोल के दुर्गा मार्केट में रिको इलेक्ट्रॉनिक यानी दत्ता बाबू का दुकान, 43 सालों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठान। यहां चल रहा है AC मेला, करियर ब्रांड के AC का प्रमुख डीलर। रिको इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और होम अप्लायंस 0% EMI सुविधा के साथ। तो जल्द पधारे दत्ता बाबू का दुकान और उठाए AC मेला का फायदा। रिको इलेक्ट्रॉनिक, दुर्गा मार्केट, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 9933056325। आसनसोल में ज्वेलरी कारोबार में एक प्रतिष्ठित नाम लक्की बाबू दुकान ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे शुद्ध 22 कैरेट के 916 HU ID युक्त होलमार्क स्वर्ण आभूषण, साथ में उपलब्ध है डायमंड के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। विवाह के लिए हो खरीदारी या फिर अपनों को देना हो गिफ्ट, तो चले आइए 48 सालों से प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम लक्की बाबू दुकान ज्वेलर्स, हेड पोस्ट ऑफिस के विपरीत, GT रोड, आसनसोल। रात्रि 10 पर्यंत आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मंगलवार को आश्रम मोड़ स्थित होटल पार्वती में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें आगामी 21 से 23 जून तक रविंद्र भवन में होने वाले गीत संगीत मेला, गानेर मेला के आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। सोसाइटी के संरक्षक सचिन राय ने कहा कि आगामी 21, 22 तथा 23 जून को रविंद्र भवन में नॉर्थ पॉइंट स्कूल बंगला गानेर मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसनसोल तथा आसपास के क्षेत्र के कलाकारों के अलावा कोलकाता, दुर्गापुर से भी कलाकार शामिल होंगे। 3 दिनों में तकरीबन 200 गीत और संगीतकार अपनी कला प्रदर्शन करेंगे। मौके पर विश्वजीत मुखर्जी, संदीप घोष, मले सरकार आदि उपस्थित थे। आसनसोल वेलफेयर आर्टिस्ट सोसाइटी जो उद्योगे 3 दिन संगीत मेला हबे रवींद्र भवने 21, 22, 23 जून, एवं आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटर उद्देश्य कोविडर समय आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी तैरी हुई, उद्देश्य एकटाई, सुस्थ संस्कृत विकाश घटानो এবং দুস্থ যে সমস্ত আর্টিস্ট রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানো। কোভিডের সময় আমরা দেখেছি অনেক আর্টিস্টকে তাদের বাদ্যযন্ত্র, যে ইনস্ট্রুমেন্ট, সেগুলো বিক্রি করে তাদের সংসার চালাতে এরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। তখনই আমরা এই অর্গানাইজেশন তৈরি করি যে আর্টিস্টদের পাশে দাঁড়ানো উচিত আমাদের, সেই আর্টিস্টদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।
সেই জন্য তিন দিন ধরে এটা অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমস্ত বাংলা গানের, এবং আমরা সবাইকে অনুরোধ করব সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্যে। আগামী 21শে জুন 3টের সময় এর উদ্বোধন ঘটবে এবং তিন দিন ধরে সেই অনুষ্ঠান চলবে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য সমস্ত আসানসোলবাসীকে, যে আপনারা রবীন্দ্রভবনে আসুন, আপনারা গান শুনুন, আপনারা নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন, যাতে সবাই সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, তারই প্রচেষ্টা এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য। কুলটি ব্লক ইউয়া টিএমসি কে পূর্বাধ্যক্ষ সুভাষিস মুখার্জী দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়া পর কিয়ে গে পোস্ট কো লেকর বিবাদ শুরু হো গয়া হ্যায়। ইসে লেকর টিএমসি অর ভাজপা আমনে সামনে হো গয়ে হ্যায়। দোনো এক দূসরে পর আরোপ প্রত্যারোপ লগা রহে হ্যায়। সুভাষিস মুখার্জী নে কল আপনে ফেসবুক প্রোফাইল সে পোস্ট কিয়া থা কি বড়াকর মে টিএমসি পার্টি কার্যালয় সে সট কর সট্টা কা কারোবার চল রহা হ্যায়, জিসকি বজা সে করিব লোক বরবাদ হো রহে হ্যায়। টিএমসি নেতাও দ্বারা কই বার পুলিশ প্রশাসন সে শিকায়ত দর্জ করাই গই হ্যায়, লেকিন বড়ে আশ্চর্য কি বাত হ্যায় কি ইসকে বাদ ভি কোই কার্যবাহি নাহি কি গই অর ইয়া কালা কারোবার আবি ভি জারি হ্যায়। উসি ইলাকে মে কুলটি কে ভাজপা বিধায়ক কা ভি ঘর হ্যায়, ইসকে বাদ ভি কুলটি কে বিধায়ক ভি খামোশ হ্যায়। উন্হোনে কাহা কি সির্ফ সট্টা হি নাহি কুলটি মে কোয়লা বালু মাবেশি আদি কি ভি তস্করি হো রহি হ্যায় অর ইসমে প্রভাবশালী লোক শামিল হ্যায়। উন্হোনে কুলটি ব্লক কে বর্তমান ব্লক অধ্যক্ষ কো ইস মামলে মে আওয়াজ বুলন্দ করনে কো কাহা। দীর্ঘদিন ধরে সাতটার রমরমা বরাকর জুড়ে এটা তৈরি হয়েছে, প্রচুর খেটে খাওয়া মানুষ আছে, যারা অটো রিক্সা চালায়, ঠেলা চালায়, শ্রমিক আছে, মুটিয়ার কাজ করে, তারা কিন্তু এটা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এই সাতটাটাতে। প্রশাসনের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করার পরেও কোনো রকম পদক্ষেপ হয়নি, বাধ্য হয়ে গতকালকে ফেসবুকে বিষয়টা তুলে মানে আমরা তুলে ধরেছি বিষয়টাকে। এবং আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে বা দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা প্রথম দিনকার পার্টি অফিসের পাশে দেওয়ালের পাশে এই ধরনের ঘটনা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। সেই নেতৃত্বের সাথে কথা বলা হয়েছে, তারাও বারবার লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে বলে তারা বলেছে যে আমরাও বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে প্রতিবাদ করেছি, প্রশাসন কথা শুনছে না। অর্থাৎ রুলিং পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস লিখিতভাবে জানাচ্ছে, তারপরেও প্রশাসন কথা শুনছে না। এটা একটা বিরাট আশ্চর্যজনক বিষয়, এটা এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে বিরোধী শক্তি যেটা মনে করি আমরা এই মুহূর্তে বিধায়ক কুলটিতে বিজেপির, এবং ঘটনাচক্রে বিধায়ক যিনি ডক্টর অজয় পোদ্দার ওনার বাড়িও বরাকর, উনি নিশ্চুপ কেন, ওনার প্রতিবাদ কোথায়? ওনাকে তো তুলে ধরতে হবে। বিরোধী তো হচ্ছে সরকারের আয়না, উনি তো তুলে ধরবেন সরকারের ভুল কী কী, সরকার সরকারিও দলের ভুল কোথায়, ওটা তো তাকে তার দায়িত্ব দেওয়া আছে। একটা ব্যাপক ভূমিকা থাকে সেই বিরোধী দলের। এই ক্ষেত্রে যেটা দেখছি একদম বিজেপি যিনি বিধায়ক আছেন উনি তার বিরোধিতাটাকেও সঠিকভাবে করতে পারছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। वहीं बीजेपी के युवा नेता केशव पोद्दार ने कहा कि यह टीएमसी की संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी कार्यालय में ही सट्टा चल रहा है। केशव पोद्दार ने कहा कि भले ही कुलटी के भाजपा विधायक का घर बड़ाकर में हो, लेकिन भाजपा नेता और कार्यकर्ता हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं और टीएमसी के नेता सिर्फ अवैध वसूली के बारे में सोचते हैं, चाहे वह कोयला, बालू, मवेशी तस्करी हो या फिर सट्टा, हर एक चीज में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता रहती है। राजा देखे छी एटा काल के खबर माध्यम में और फेसबुक सोशल मीडिया माध्यम में देखे छी कि তৃণমূল কার্যালয়ের একদম সামনে, মানে আপনি ধরতে পারেন কি তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরেই সাতটা চলছে, যেভাবে দৃশ্য আর ফটো ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর যেভাবে শাসক দল একটা পুলিশের কাছে ওদের হস্তক্ষেপ থাকে, ওদের দাদাগিরি গুন্ডাগিরি থাকে, এটা পরিচয় আছে কি পার্টি অফিসের 10 মিটারের ভিতরে সাতটা চলছে আর রামরাম সাতটা চলছে। তারপরে আমি বলতে চাইছি কি স্থানীয় বিধায়ক বরাকরে থাকে, বাট আপনি জানেন আ ম্যান ইজ নোন বাই ইজ কোম্পানি, একটা লোক ওর আশপাশের লোকের পরিচয়ের ওর পরিচয় হয়। আমাদের যা কার্যকর্তা আছে কিংবা আমাদের যা লোকজন আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ওদের আমরা চিন্তা করি কীভাবে মানুষের আমরা উপকার করতে পারি, কীভাবে মানুষের আমরা কাজ করতে পারি, কীভাবে কোনো ক্যান্সার পেশেন্টে আমরা ট্রিটমেন্ট ফ্রি করাতে পারি কিংবা কোনো রেল টিকিট করাতে পারি, মানুষের জলের সমস্যার জন্য কি করতে পারি, এটা চিন্তা ভাবনা আমরা দিনভর লেগে থাকে। লেকিন এদের চিন্তা ভাবনা আছে কীরকম 2 নম্বর কাজ করতে পারি, সাতটা ইললিগাল মদের দোকান, আপনি দেখবেন এখন ড্রাগস ডুবে আছে কুলটি, ড্রাগসের কাজ,
কয়লা বালি গরু চুরি এসব এসব মধ্যে তৃণমূলের বেশিরভাগের নেতা আপাসে খিচাটানি আছে। কুলটি ব্লক কে তৃণমূল যুবা কংগ্রেস কে ব্লক অধ্যক্ষ বিমান দত্ত নে কাহা কি আগর পূর্ব ব্লক সভাপতি নে এসা বয়ান ফেসবুক পর দিয়া হ্যায় তো জরুর ইসমে কুছ সচ্চাই জরুর হোগি। উনহোনে পুলিশ প্রশাসন সে অনুরোধ কিয়া কেস মামলে কি যাঁচ করে আর আগর কোই দোষী হ্যায় তো উসকে খিলাফ কারওয়াই করে। আমার যুব সভাপতি প্রাক্তন যুব সভাপতি আমার দাদা তিনি যখন দেখেছেন নিশ্চয়ই কিছু একটা জিনিস ওখানে আছে, কোনো কিছু ব্যাপার একটা নিশ্চয় আছে। আমি পুলিশকে অনুরোধ করছি, খুঁটি পুলিশকে এখন আমি অনুরোধ করব যে যারা জড়িত আছে ইমিডিয়েটলি জায়গা রেড করা হোক এবং কেস করা হোক। में एकमात्र एक्साइट केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइट इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, यूपीएस एंड एसएमएफ बैटरी, एक्साइट न्यू ई रिक्शा 12 महीने के ईएमआई सुविधा। तो जल्द पधारे पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में पहली बार डेकोरेटिव लाइट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम ग्रैंड लाइट्स एंड हार्डवेयर, आपके सपनों के घर को रोशन करने के लिए आकर्षक और लुभावनी लाइट्स, साथ में रूम इंटीरियर्स के लिए इन टू इन सॉल्यूशंस। तो देर ना करें, जल्द आए ग्रैंड लाइट्स एंड हार्डवेयर, अपोजिट मुर्गासाल SBI, आसनसोल 3। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस, ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार, साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। देश के दिलों पर राज करने वाला बजाज का चेतक स्कूटर फिर से लौट आया है चेतक इलेक्ट्रिक के रूप में। पेश है चेतक की दो वैरायटी, चेतक प्रीमियम और चेतक अर्बन, हाई रेंज और टॉप स्पीड के साथ आकर्षक कलर में। तो आज ही टेस्ट राइड ले चेतक इलेक्ट्रिक की ऑटोमोबर्स बजाज, आसनसोल, GT रोड, मुर्गासाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग अपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसन। अगर यह मोटरसाइकिल आपके पास से गुजर जाए तो आपको लगेगा कि कोई मॉडर्न लड़की युवक के साथ बैठकर जा रही है, लेकिन जरा ठहरिए, ठीक से गौर फरमाएं तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल यह कोई सांस लेती हुई लड़की नहीं बल्कि लड़की की बूथ है। जी हाँ, अपने सही समझा, यह एक पुतला ही है जिसे मोटरसाइकिल चला रहा विद्युत मंडल अपने साथ लिए जा रहा है।
इस पुतले को मोटरसाइकिल की सीट से बांध कर बैठाया गया है, लेकिन यह भले निर्जीव है लेकिन यह विद्युत मंडल के दिल की धड़कन है। यह पुतला जिसका नाम विद्युत ने पिंकी रखा है, दरअसल विद्युत उसे अपनी प्रेमिका मानता है। देखिए तो यह कहानी किसी फिल्म जैसी है, कुछ अजब है कुछ गजब है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के जयपुर इलाके के रहने वाले विद्युत मंडल को जब भी मन करता है वह पिंकी को उसी तरह मोटरसाइकिल पर लेकर निकल पड़ते हैं। विद्युत का कहना है कि पिंकी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, वह उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई कि विद्युत को एक पुतले को अपनी प्रेमिका बनाना पड़ा और उसे लेकर घूमने में कोई संकोच या शर्म नहीं है। दरअसल विद्युत का एक लड़की के साथ 3 साल तक अफेयर था, लेकिन वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। उनकी उस प्रेम कहानी का अंत हो गया तब विद्युत अकेले थे, उनकी कोई और दोस्त नहीं थी। अकेलापन उन्हें काट रहा था और जब दूसरे लड़कों को वह गर्लफ्रेंड लेकर घूमते देखते तब उन्हें और कष्ट महसूस होता। फिर क्या था, उन्होंने एक दिन एक पुतले में अपनी प्रेमिका की छवि ढूंढ ली और इस पिंकी को अपनी प्रेमिका मानकर अपना दुख दर्द को भुला दिया, जैसा कि वह कहते हैं। बाई इंसान भावनात्मक होता है और उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। अब देखना है कि विद्युत मंडल जिस पुतले को अपनी प्रेमिका मान रहे हैं उसके साथ ही वह कितने दिन तक रहते हैं, क्योंकि आखिर पुतला तो पुतला ही है, वह इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकता। मैंने जीटा बोलते जीटा बोलते 24 साल मैंने सिंगल देखते देखते ना एक बोरिंग फील करे, धरो सबाई तो गार्लफ्रेंड घुरे, আমি নিজে মনে করলাম গার্লফ্রেন্ড নিতে কী হয়েছে, আমি একটা আমার গার্লফ্রেন্ড নিজেই বেঁধে নিই, এই জন্য ধরো এটাই আমার গার্লফ্রেন্ড, নাম পিঙ্কি। এর নাম পিঙ্কি? হ্যাঁ। তো আপনি কি কোনো দিন মানে গার্লফ্রেন্ডকে কোনো দিনই কাউকে প্রপোজ করে পাননি না ধোকা খেয়েছেন? মানে গার্লফ্রেন্ড মানে ধোকা খেয়েছিলাম মানে এই তো সে ধোকা দেবে না আমাকে, যেটা বলতে। আচ্ছা, আপনি কি ধোকা দিয়ে সে চলে গিয়েছিল? হ্যাঁ চলে গেছে, 3.5 বছর রিলেশন ছিল সে চলে গিয়েছে। এখন কোনো দিন আপনাকে ধোকা দিতে পারবে না? এই ধোকা দেবে না। আচ্ছা, এর নাম কি রেখেছেন? নাম পিঙ্কি। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি জয়পুর। আপনার নাম? বিদ্যুৎ মন্ডল। কুচ প্রহর কে প্রায়োজক ট্রেড এন্ড ট্রাই পোদ্দার ব্যাটারি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল শ্রী বালাজি ফ্যাশন হর ঘর কি পছন্দ লক্ষ্মী বাবু দোকান জুয়েলার্স সুধা উদ্যোগ রিকো ইলেকট্রনিক গ্র্যান্ড লাইটস এন্ড হার্ডওয়্যার ব্লেস হসপিটাল বিএন ঘাটি लोटस एक मल्टी कुशाइन रेस्टोरेंट अनुपम द बॉर्न डट फाइटर ऑटोमोबर्स बाजार आसनसोल विघ्नेश्वरा मार्बल श्री जानकी स्टोर